दोस्तों, दुबई को दुनिया का आरामदायक और शानो शौकत वाला देश माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तरह से सुख सुविधाओं से भरा नजर आने वाला दुबई अंदर से बिल्कुल सूखा हुआ है। असल में दुबई पूरा रेगिस्तान पर बसा हुआ है, जिसके कारण वहां पीने के पानी का कोई प्राकृतिक स्रोत मौजूद नहीं है, और इसीलिए दुबई पीने के पानी के इंतजाम के लिए क्लाउड सीडिंग नाम की एक टेक्नोलॉजी की मदद लेता है, जिसे सिंपली भाषा में आर्टिफिशियल रेन कहते हैं। दोस्तों, स्केल ऑफ नॉलेज की वीडियोस में एक बार फिर से स्वागत है। दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई के 7 अमीरातों में से एक है, और इस शहर को दुनिया के सबसे मशहूर और महंगे शहरों में गिना जाता है, क्योंकि इस शहर का अपना एक अलग लाइफस्टाइल है। इसीलिए दुनिया भर के लोग इसकी ओर खींचे चले आते हैं। लेकिन दोस्तों, ये ऊपर से खुशहाल दिखने वाला देश हकीकत में अंदर से पूरी तरह सूखा हुआ है, और यहाँ बारिश भी पूरे साल में केवल 5 से 10 बार ही होती है, जो यहाँ की पानी की समस्या को हल करने के लिए काफी नहीं है। वैसे तो दुबई समुद्र के किनारे बसा हुआ है, इसीलिए इसके पास पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन समुद्र का पानी खारा होता है और इसके चलते इसको पिया नहीं जा सकता, और अगर कोई इंसान इस खारे पानी को लगातार पिए तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। वेल, दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि दुबई आखिर पीने के पानी की व्यवस्था कैसे करता है, और आखिर क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी क्या है, और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। देखिए, असल में दुबई के अंदर बहुत बड़े बड़े पानी को फिल्टर करने वाले प्लांट बनाए गए हैं, और इस प्लांट के अंदर समुद्र के खारे पानी में से नमक को अलग करके उसे पीने लायक बनाया जाता है। लेकिन इन प्लांट को चलाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जिससे इसका खर्चा बहुत ज्यादा आता है। एक आंकड़े के अनुसार इस प्लांट के द्वारा 1000 लीटर पानी को फिल्टर करने का खर्चा $60 यानी 4500 रुपए के करीब आता है। अब जाहिर सी बात है कि सिर्फ पानी के लिए कोई भी सरकार इतना खर्चा तो नहीं उठाएगी, इसीलिए दुबई सरकार ऐसे सॉल्यूशन की खोज कर रही थी जो इन्हें इस भारी खर्चे से बचा सके, और दुबई को यह सॉल्यूशन क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी के रूप में प्राप्त हुआ। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग क्लाउड सीडिंग के बारे में जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको हम बता दें कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नकली बारिश करवाने के लिए किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि दुबई अपनी पानी की समस्या को हल करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करता है, और ये टेक्नोलॉजी किस तरह काम करती है। इसे समझने के लिए पहले हमें बारिश होने का बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा। देखिए, बारिश होने के लिए सबसे जरूरी चीज है सूरज, क्योंकि जब सूरज समुद्र की सतह को गर्म करता है तो पानी एवापोरेट होता है और गैस बनकर आसमान में चला जाता है। आसमान में जाते ही गैस ठंडी हो जाती है और वापस पानी में बदल जाती है। जी हाँ, और पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मिलकर बादल की शक्ल बना लेते हैं, लेकिन इस बादल में ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आपस में एक दूसरे से जुड़ते नहीं हैं, क्योंकि ये ड्रॉपलेट्स पानी की प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं, यानी इनमें किसी भी तरह के कोई पार्टिकल्स नहीं होते। लेकिन दोस्तों, जैसे ही इन ड्रॉपलेट्स का सामना मिट्टी के छोटे पार्ट्स या धुएं के पार्टिकल्स से होता है, तो ये एक दूसरे से मिलकर बड़े ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, और अर्थ की ग्रेविटी की वजह से जमीन पर गिरना शुरू कर देते हैं, जिसको हम बारिश कहते हैं। वेल, दोस्तों, ये तो था बारिश का बेसिक फंक्शन, लेकिन अब समझते हैं कि आखिर क्लाउड सीडिंग से बारिश कैसे मुमकिन बन
बनाई जाती है। दोस्तों, क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी को पहली बार 1946 में अमेरिकन केमिस्ट विंसी शोफर ने डेवलप्ड किया था, जिसमें सिल्वर आयोडाइड नामक एक कंपाउंड को आसमान में बादलों के ऊपर स्प्रे किया जाता है, जो बादलों में ही मौजूद छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को आपस में एक दूसरे से मिलने पर मजबूर कर देता है। और आखिरकार ये ड्रॉपलेट्स इतने हेवी हो जाते हैं कि वो बारिश बनकर जमीन की तरफ गिरना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बारिश को सिर्फ रेन नहीं बल्कि आर्टिफिशियल रेन कहा जाता है। आपको बता दें कि 1967 में यूएस और वियतनाम के बीच युद्ध के दौरान अमेरिका ने वियतनाम को क्लाउड सीडिंग के जरिए शिकस्त दी थी। लेकिन क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल दुबई कर रहा है वो वाकई हैरान करने वाला है। दोस्तों, दुबई पीने का पानी भी क्लाउड सीडिंग के जरिए ही इकट्ठा करता है। आपको बता दें कि दुबई में हजर के पहाड़ों में एक डैम बनाया गया है, जिसके ऊपर आसमान में दुबई गवर्नमेंट क्लाउड सीडिंग करती है। और जब बारिश होती है तो बारिश का कतरा कतरा पहाड़ों से स्लाइड करता हुआ समुद्र में जाने के बजाय इस डैम में इकट्ठा हो जाता है, जो न सिर्फ पीने के काम आता है बल्कि दुबई इस पानी से बिजली भी प्रोड्यूस करता है। दोस्तों, जहां फिल्टर प्लांट में 1000 लीटर पानी फिल्टर करने का खर्च 4400 रुपए आता था, वहीं क्लाउड सीडिंग से ये काम सिर्फ 75 रुपए में हो जाता है। वेल, दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए स्केल ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर करना।